जब मैं एप्पल स्टोर पे गया तो मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स जब यूज़ किया तो मुझे वो काफ़ी मज़े का लगा, लेकिन वहाँ पे जो उसकी प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं दुबई की जो लोकल मार्केट है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सर्वे करता हूँ, तो अगर मुझे कोई अच्छी डील मिली तो हो सकता है मैं जो है वो अपना आईफोन चेंज कर लूँ और आईफोन 14 प्रो मैक्स पे अपडेट कर लूँ। तो चलो फिर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं दुबई की लोकल मोबाइल मार्केट। तो जिस जगह भी मैं हूँ इसका नाम है शरफ डीजी मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे इसको मीना बाजार भी कह सकते हो दुबई का। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स की शॉप है जहाँ पे आपको यूज्ड ब्रांड न्यू दोनों ही फ़ोन्स मिल जाएंगे, नॉट जस्ट फ़ोन्स बल्कि यहाँ पे आपको प्ले स्टेशन और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज यूज्ड और ब्रांड न्यू दोनों में ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी, एक एक करके फ़ोन्स की शॉप में मैं गया, लेकिन गाइज मुझे यहाँ पे आईफोन तो बहुत ज़्यादा मिले यूज में भी ब्रांड न्यू में भी, बट मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स नहीं मिला जो मैं चाह रहा था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आईफोन थे यूज्ड में, आईफोन 7, आईफोन 12, आईफोन 13, लेकिन आईफोन 14 प्रो मैक्स किसी के पास भी नहीं था। तो मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी और पूछ पुछाते मैं काफ़ी ज़्यादा शॉप्स पे किया और यहाँ पे लकीली मुझे एक आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल भी गया जो कि 1 फिजिकल और 1 ईसिम के साथ था और काफ़ी अच्छी कंडीशन थी इसकी। लेकिन गाइज ये जो सेलर है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहा था जो कि मेरी रेंज से बाहर थी। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट शॉप पे गया, उसके पास आईफोन 14 प्रो था जो कि 512 GB में था, लेकिन गाइज वो आईफोन 14 प्रो था एंड ऊपर से वो मेरे से 1000 dirhams मांग रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा थे। और उसके बाद गाइज एक और शॉप में गया जिसके पास आईफोन 14 प्रो मैक्स में था, 1 फिजिकल सिम एंड 1 ई सिम, और उसका भी कलर सेम यही था जो आप देख रहे हो। और उसकी जो डिमांड थी वो फाइनल ये थी कि मुझे अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ ऊपर 1400 dirham देने पड़ेंगे, लेकिन मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी, मैं हिम्मत नहीं हारा और भी मैं काफ़ी शॉप्स पे गया। और उसके बाद मुझे यहाँ पे नजर आई जमजम, जिनका मैंने पहले कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना था, और जब मैं इनकी शॉप में एंटर हुआ तो यहाँ पे काफी ज्यादा रश था दूसरों के निस्बत, और मैं समझा कि शायद ये सारे लोग फोन लेने आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता लग गया कि ये फोन नहीं, ये सेल्फीज लेने आए हुए हैं। उसके बाद गाइस इनकी शॉप से भी मैंने पता किया कि यहाँ पे क्या आईफोन 14 प्रो मैक्स है। इनके पास सारे आईफोन से काफी अच्छी कंडीशन में थे और रीजनेबल भी प्राइस है, जो कि मैंने अपने नेक्स्ट व्लॉग में सारा क्लियरली बताया, आप वो व्लॉग लाजमी देखना, उसमें मैंने सारे प्राइस डिस्कस किए हैं यूज आईफोन के क्या प्राइस चल रहे हैं दुबई में। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली इनके पास भी कोई यूज आईफोन 14 प्रो मैक्स नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन इन्होंने रेफर किया मुझे अपनी सेकंड ब्रांच में जहाँ पे मैं गया, और लकीली वहाँ पे मुझे एक यूज आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल गया। ये सेकंड वाली ब्रांच है, जो फर्स्ट है वो आपने देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस है। ये जमजम मोबाइल है मेरे पीछे और यहाँ से मैंने जो है वो एक फ़ोन देखा है, अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ फोन। तो अब मैं आपको शॉप में लेके जाता हूँ एंड वहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है इनके पास पड़ा हुआ है और किसके साथ मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला है जो कि LLA मॉडल है और वारंटी में है, और ये मैंने परचेज़ किया, एक्चुअली एक्सचेंज किया जो मेरे पास मेरा आईफोन था आईफोन 13 प्रो मैक्स, अभी जिससे ये लास्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसके बाद मैंने सारा डाटा अपना इस फ़ोन में करना है, वो जो है मैंने एक्सचेंज किया इस फ़ोन के साथ आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ। और ऊपर जो है वो भी हमारी डील चल रही है, मैं आपको बताऊंगा कि कितने में हुए। बाकी ये जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स दुबई में हूँ, मुझे डील काफ़ी अच्छी मिली यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तान, मुझे एक अच्छी डील लगी थी। सो इस वजह से ये जो आईफोन 14 प्रो मैक्स मैंने दुबई से बाई किया, और आप इसकी कंडीशन देखो तो काफ़ी साफ़ सुथरा है, और जो कलर है वो पर्पल है, फेवरेट कलर है मेरा। तो अभी मैं आपको जब इसमें सारा डाटा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगा कि ये फ़ोन किस तरीके से काम कर रहा है, और मेरा डाटा हो जाएगा तब बताऊँगा। तो गैस ये है वो वाला फ़ोन आईफोन 14 प्रो मैक्स जो मैंने अभी यहाँ से लिया है, और इसको फ़िलहाल मैंने सेटअप कर लिया, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और 128 GB आईफोन 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल कलर में, और इसमें जो है वो स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह लगा दिया है, और ये इसका बिल है, और ये जो है वो आईफोन 13 प्रो मैक्स जो मेरा ओल्ड वाला था, इसमें से मैंने अपना जो सारा डाटा रिमूव कर दिया, देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है। और इसको मैंने एक साल यूज़ किया, काफ़ी मज़े का फ़ोन था, काफ़ी अच्छा टाइम इसके साथ स्पेंड हुआ। और ये जो अब मेरा नेक्स्ट फ़ोन होने वाला है आईफोन 14 प्रो मैक्स, जिसमें आप देख सकते हो सारा जो है वो इसका डाटा हो रहा है, और यहाँ पे ये सारी इसकी डिटेल्स हैं, 720 dirhams मैंने इसमें ऊपर दी हैं। तो गाइज़ अब मैं आ चुका हूँ अपने घर, जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड बिकॉज अभी मैं फ़िलहाल अपने Airbnb पे हूँ। बाकी यार ये है वो आईफोन 14 प्रो मैक्स शॉप पे, तो मैंने इसकी थोड़ी बहुत
क्लिप्स बना लिए थे, मैं आपको इसको प्रॉपर दिखाता हूँ। ये है 128GB iPhone 14 Pro Max बिल्कुल न्यू कंडीशन में। अगर मैं आपको इसकी दिखाऊँ वारंटी तो लेट मी जस्ट शो यू। ओके, तो यार यहाँ पे इसमें जो है वो 14 फरवरी 2024 तक इसकी वारंटी है, जो कि ऑफिशियल वारंटी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब ये वारंटी में है। और इसके साथ फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जो मैंने फ़ोन दिया था अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स, वो भी जस्ट फ़ोन दिया था। और एक चीज़ का वैसे मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, आईफोन इट्स लाइक अ टिकट, आप जब जाओ उसको विदड्रॉ करवा लो। मतलब इतनी जल्दी सेल होता है ये फ़ोन, अगर आपके फ़ोन में कोई फॉल्ट नहीं है तो दुनिया के किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ये फ़ोन सेल हो जाता है। इट्स लाइक अ मनी और कैश, मतलब आप जाओ इसको विदड्रॉ करवा लो। तो इसी तरीके से मैंने ये आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया। और गाइस अगर आप पाकिस्तानी करेंसी को कंपेयर करो तो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको कंपेरिज़न दिखा देता हूँ कि ये कितने का पड़ा मुझे। तो मैंने इसके दिए ऊपर 720 दिरहम्स, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं 55,800, यानी कि ऑलमोस्ट 56,000 रुपीज़ मैंने इसके ऊपर दिए अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स के। वो भी 128GB वेरिएंट था और ये भी जो है वो 128GB वेरिएंट है। ये जो है वो LLA वेरिएंट है, यानी कि ये डुअल eSIM वेरिएंट है। वैसे यार मैंने सिम यूज़ भी नहीं करनी, क्योंकि मैंने अपने वो वाले फ़ोन में भी सिम यूज़ नहीं की थी। एंड यहाँ पर आपको मैं इसका ऑफिशियल वॉलपेपर भी दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने किया था। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, तो ये इसका ऑफिशियल वॉलपेपर, डीप पर्पल कलर है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ पाकिस्तान से, तो जब मैं आने लगा था तो एक रफली एस्टिमेट पूछा था मैंने, तो उसने मुझे बताया था कि यार अगर मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है वो एक्सचेंज करना है, उसके ऊपर मुझे 100,000 रुपये ऊपर देने पड़ेंगे, देन जो है मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स मिलेगा। तो ये जो है यार, आप मुझे बताओ कैसी डील लगी। मेरे अगर आप ओपिनियन जाने तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी डील लगी, और फ़ोन भी बिल्कुल साफ था, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये दुबई से मिल गया। बाकी यार दुबई के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतने मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।